करोड़ रुपया कितना कितना कितना। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अब तक की जो है सबसे बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो खाद के जो 5000 रुपए है वो कब से किसानों के खाते में जाने वाले हैं, यहाँ पर सभी इससे जुड़े अपडेट्स हमारे सामने निकल के आने लगे हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंचे हैं। आपको वीडियो को बस पूरा देखना है, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि कब से जो है खाद के 5000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। और यूं ही नहीं, नौवीं किस्त के जो 2000 रुपए हैं वो कब से आप सभी किसान भाइयों के खाते में जाने वाले हैं, सभी वीडियो की जानकारी जो है इस वीडियो में आपको जो है मिलने वाली है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कर देना अभी से लाइक और चैनल को कर लेना है हमारे इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, तो टोटल जो है 16000 रुपए 8 किस्तों में जो है सरकार सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर चुकी है। और इस हिसाब से जो है टोटल जो लगभग जो है 16000 रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि लगातार जो है सरकार किसानों की मजदूरों की यहाँ पर मदद कर रही है। मजदूरों के खाते में अभी कुछ दिन पहले ही जो है गवर्नमेंट ने 1000 रुपये पहुँचाई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं मिले हैं पैसे तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस विषय में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो लॉकडाउन है वो यहाँ पर 1 मई से जो है लगभग सभी राज्यों में खुलने वाला है। सभी ज़िले में जो है थोड़े बहुत जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के साथ, थोड़े बहुत जो है यहाँ पर नियमों के साथ जो है सभी जगह लॉकडाउन खुलने वाला है। तो धीरे धीरे जो है सभी प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो रही है और पैसे डालने की प्रक्रिया भी जो है सरकार तेजी से चला रही है। और मैं आप सभी को बता दूं कि 14 मई को बहुत सारे किसान भाइयों को यहाँ पर जो है 8वीं किस्त का जो पैसा है वो मिला है, लेकिन अभी भी मेरे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके खाते में अभी भी पैसा नहीं गया है। तो आप क्या करें कि आपके खाते में पैसा चला जाए और कोई दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े, अब इसके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या पीएम किसान खाद योजना शुरू हुई है? तो दोस्तों, यही योजना के बारे में अभी जो है विचार विमर्श चल रहा है कि यही योजना शुरू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है यहाँ पर खाद का पैसा कम कर दिया गया है और जो 2400 रुपये की खाद थी वो यहाँ पर 1200 रुपये कर दी गई है। खाद जो है कम रेट में जो है अब से किसानों को उपलब्ध होगी। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि जो खाद का पैसा, जो सब्सिडी का पैसा जो मिलेगा वो 2500 रुपये की 2 किस्तों में जो है आपको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2500 रुपये की जो 2 किस्तें रहेंगी और 2 किस्तों में जो है आपको पैसा दिया जाएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं 8वीं किस्त के जो 2000 रुपये हैं वो किसानों के खाते में लगभग सभी किसान भाइयों के खाते में जा चुके हैं। तो ऐसा आपको जो है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपके खाते में पैसा नहीं गया तो जाएगा या नहीं जाएगा, आपकी को इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 9वीं किस्त है उसके बारे में आप सभी से बात कर लेता हूँ कि 9वीं किस्त का ये अपडेट निकल के आ रहा है कि बहुत जल्द जो है किसानों के खाते में 9वीं किस्त का पैसा भी गवर्नमेंट पहुँचाने वाली है। और यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आती है आपके सामने जो है यहाँ पर सभी किसान भाइयों को जो है पैसा मिलने वाला है। जैसे ही इससे जुड़े कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी, खाद योजना का जो पैसा है किसानों के खाते में सरकार ट्रांसफर करेगी। दोस्तों, जब भी इससे जुड़े अपडेट आते हैं तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। बस आपसे जाते जाते इतना ही निवेदन है कि आप जाते जाते हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं। और हाँ, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि जो है जो भी मैं अगली वीडियो बनाऊँ वो आपको जो है सबसे पहले देखने को मिले। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।